हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडीज। आशा करुच समस्ते भलरे अच ओ एंट्रेंस एग्जाम पे प्रिपेरेशन जोरसोर चलाई। आज पेडागोजी क्लास रे आम आउ गोटे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करवा जोटा कि हूँ तुम मॉक टेस्ट नंबर 13। ऑलरेडी आम 12 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर देचु। जो मैंने भी चैनल रे नुआ छ चैनल को सब्सक्राइब कर दबो आउ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दबो। ओके, ओ आगर तमरो जति कि भी क्लासेस हेछि जदि तमने कंप्लीट करन चैनल रो प्लेलिस्ट को पढेबो सेरी सब जिंस तमको सिस्टमैटिक वेरे मिलि जिवो। आज जे कि तमरो जति कि भी मॉक टेस्ट कंप्लीट हे जाउछि किबा तमरो जति कि भी जेटी रो क्लासेस कंप्लीट हि जे सब जिंस तमको सिस्टमैटिक वेरे मिलि जिवो। ओके, तो चलो देर न करके आज रो मॉक टेस्ट रो क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करबा। आज रो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 समस्त को विजिबल हैला। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कौन दे छि देखो, डेस एनहांसेस लर्निंग इन क्लासरूम। ए गुडा भितरो कोडा तमरो क्लासरूम लर्निंग को एनहांस करथै, तमरो क्वेश्चनिंग टेक्निक ना तमरो लेक्चर मेथड ना यूज ऑफ एवी एड्स ना तमरो यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। तो तमरो देखो क्वेश्चन मेथड तो केबे भी हबनी, नेक्स्ट तमरो लेक्चर मेथड भी हबनी, नेक्स्ट देखो यूज ऑफ एवी एड्स माने कोन एवी एड्स से गला तमरो कोन ऑडियो विजुअल एड्स। तो देखो यदि आमे गोटे करना ऑडियो विजुअल एड करबा से माने यूज करबा हमरो माने टीचिंग प्रोसेस रे तो कोन पढाडा आउरी अधिक इंटरेस्टिंग हबो। सो क्वेश्चन नंबर 1 रो करेक्ट ऑप्शन गुडा हि जेबो, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कोन छ देखि जस्ट अ सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 समस्त को विजिबल हैला। कोन दिस देखो, एनवायरनमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ। एनवायरनमेंट ता तमरो ई जो तळे दिहाई छी से गुडा भितर कोडार एलिमेंट, तमरो कंस्ट्रक्टिविज्म ना रियलिज्म ना कनेक्टिविज्म ना बिहेवियरिज्म। तो देखो तमरो कोन ना जति की सब तमरो बिहेवियर, बिहेवियर ऑल बिहेवियर आर लर्न थ्रू द तमरो इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट रु हम सिखि दाउ। तो तार करेक्ट आंसर कोन हि जिवो ना, एनवायरनमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ बिहेवियरिज्म। सो क्वेश्चन नंबर 2 रो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कौन देसी देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 विजिबल हैला ना। एबे देखो कौन देसी देखो, व्हाट इज द पर्पज ऑफ करिकुलम इन स्कूल। स्कूल रे हमर जो करिकुलम अछि तारो पर्पज कौन बोली पचारी छी। फर्स्ट ऑप्शन 2 स्टैंडर्डाइज लर्निंग गोल्स, ऑप्शन नंबर 2 टू कंडक्ट टाइमली एग्जामिनेशन, ना टू अचीव द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ना टू कंप्लीट द सब्जेक्ट सॉरी टू कंप्लीट द सिलेबस इन टाइम। तो तमरो जो कोना कहार मेन पर्पज पचारी छी ना करिकुलम, स्कूल रे जो करिकुलम थे तारो मेन पर्पज कोन। तो तार करेक्ट आंसर कोन जइबो कोना, टू स्टैंडर्डाइज द लर्निंग गोल्स। सो क्वेश्चन नंबर 3 रो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सहज रे थिला ऑब्वियसली एरे तमरो एग्जाम टाइमली कंडक्ट करबा केबे भी होबनी, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करबा भी होबनी कि सिलेबस कंप्लीट करबा भी केबे भी तमरो करना करिकुलम रो पर्पज नुहे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 रो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कोन देछि देखो, द मीनिंग ऑफ लर्निंग इज। लर्निंग कहले कोन बुझो बोली पचार छी। फर्स्ट ऑप्शन अचीविंग द हाई एकेडमिक एक्सीलेंस, ना तमरो गेनिंग नॉलेज, ना मैनिपुलेशन ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ना तमरो पॉजिटिव अल्टर्ड बिहेवियर। तो देखो हमर कहार पचार छी ना लर्निंग, लर्निंग माने कोन सिंपली फर्स्ट ऑप्शन होबनी, सेकंड ऑप्शन भी होबनी, नेक्स्ट तमरो करेक्ट ऑप्शन कोटा हि जइबो ना पॉजिटिव अल्टर्ड बिहेवियर। सो क्वेश्चन नंबर 4 रो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कोन दिस देखो, व्हेन द चाइल्ड इज डायरेक्टली एक्सपोज टू द लाइफ सिचुएशन द लर्निंग इज कॉल्ड। जेतेबेले कोन गोटे छुआटा डायरेक्टली तार कोन लाइफ को एक्सपोज कराउची त कोन गोटे प्रॉब्लेमेटिक सिचुएशन से रियल लाइफ रे फेस करची त से टाइप सो लर्निंग टा को हम कोन कहबा, नेचुरल लर्निंग ना तमरो कनेक्टिविटी लर्निंग ना तमरो एक्सपीरियंशियल लर्निंग ना तमरो रियलिस्टिक लर्निंग। त कोन से देखो सिट रियल लाइफ सिचुएशन को कोन से ताको एक्सपोज करबा द्वारा कोन तारो डिफरेंट डिफरेंट माने एक्सपीरियंस गेन करूची, एक्सपीरियंस गेन करबा द्वारा कोन से जोटा एक्सपीरियंस टा फर्स्ट गेन कला ताको कोन नेक्स्ट जते बले से रियल लाइफ माने रियल लाइफ सिचुएशन रे पूरी प्रॉब्लम रे फेस करबो सो दैट कोन से ताको आराम से टैकल कर पारबो। तो रे द करेक्ट ऑप्शन कोटा हि जइबो ना एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सो क्वेश्चन नंबर 5 रो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कोन देछि देखो, एनईपी 2020 हैज मॉडिफाइड द स्ट्रक्चर और पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन इज। एटा कोई भी ना आंसर। तो तार करेक्ट आंसर कोन जइबो 5+3+3+4। तो ओके, तो तमरो कोनटा 5 ईयर, 5 ईयर टाको कोन कहा जइबो, तमरो फंडामेंटल स्टेज
थ्री इयर टाकू कौन कह प्रिपेरेटरी स्टेज नेक्स्ट आउ नेक्स्ट थ्री सेकेंड नंबर थ्री इयर टाकू कौन कह मिडिल स्टेज आउ लास्ट होगा तुम फोर इयर टा जो आसगला तुम सेकेंडरी स्टेज ओके सो एनईपी 2020 को भलसे देख कारण एथर क्वेश्चन आसवर चान्सेस बहुत अच्छी पूरा इन डिटेल्स तुम अदरवैज मुझे गोटे काम करी तुम एनईपी 2020 उपर बेस करके जिते सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन रोटे भिडियो तुमको प्रोवाइड करदेवि ठीक अच्छे सो क्वेश्चन नंबर सिक्स करेक्ट ऑप्शन कौन है ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स गला क्वेश्चन नंबर सेवेन कौन दी देख बाय विजिटिंग ए फॉरेस्ट व्हाट द चाइल्ड विल बी एबल टू डेवलप तो कौन जिते बे छुआ मान जंगल भ्रमण नौ कौ क्वालिटी डेवलप हम फर्स्ट ऑप्शन दी तुम सेल्फ एक्सप्लोरेशन कैपेसिटी ना तुम थिंकिंग एबिलिटी ना तुम पावर ऑफ एक्सप्रेशन ना तुम इमेजिनेशन पावर तो देख से जिते बे जंगल को ने कौन निजे निजे एक्सप्लोर कर कैपेसिटी इनक्रीज हम सो क्वेश्चन नंबर सेवेन ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेन गला क्वेश्चन नंबर एट कौन दी देख द मेन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टी ऑफ ए हेडमास्टर अपार्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन इज जने टीचर जने हेडमास्टर करो तंकर जो तमरो एडमिनिस्ट्रेशन बादे आउ तंकर कोटा गोटे मेन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोली पचाई छ क्वेश्चन ओके कोन कोन ऑप्शन दे छि देखो सुपरविजन ना तमरो लेसन विथ अथॉरिटी ना तमरो कंट्रोलिंग द स्कूल ना तमरो टीचिंग तो देखो से हेडमास्टर ओल्दो तंकर कोना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क थाय बट ता करू से जने टीचर सो तंकर मेन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोना टीचिंग सो क्वेश्चन नंबर 8 रो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 गला क्वेश्चन नंबर 8 रो कोटा हला क्वेश्चन नंबर 8 रो ऑप्शन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कोन दिछि देखो व्हाट मे नॉट बी द फंक्शन ऑफ एजुकेशन कोटा तमरो एजुकेशन रो फंक्शन नुए नेक्स्ट कोन कोन छि देखबो ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज नॉट पचाई छि ओके भलसे देखबो याको ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज टू द सोसाइटी सोसाइटी रे नॉलेज को ट्रांसमिशन करबा एटा तमरो एजुकेशन रो फंक्शन नॉट पचारिथिबारु ऑप्शन नंबर 1 टा हेगला इनकरेक्ट नेक्स्ट कोन छि तमरो देखो स्प्रेडिंग ऑर्थोडॉक्स एंड सुपरस्टिशन तमरो जति कोन अंधविश्वास गुडा छि सोसाइटी रे से गुडा ट्रांसमिट करबा बा से गुडा को कोन माने माने स्प्रेड करबा एटा केबे भी तमरो एजुकेशन रो फंक्शन नुए त से गुडा स्प्रेड को रोकिबा होची तमरो माने एजुकेशन रो फंक्शन सो नॉट पचारिची सो स्प्रेडिंग देची सो क्वेश्चन नंबर 9 रो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 9 गला क्वेश्चन नंबर 10 कोन देछि देखो लर्निंग डिसएबिलिटी इज कॉल्ड लर्निंग डिसएबिलिटी को कोन कह जइबो तमरो डिसग्राफिया ना डिसकैल्कुलिया ना तमरो डिसलेक्सिया ना ऑटिज्म तो तार करेक्ट आंसर कोन जइबो लर्निंग डिसएबिलिटी इज कॉल्ड डिसलेक्सिया सो क्वेश्चन नंबर 10 रो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 वाला क्वेश्चन नंबर 11 कौन दीजिए देखो द कम्युनिटी इज एन इम्पोर्टेंट टीचिंग आउटरे पढ़ना द कम्युनिटी इज एन इम्पोर्टेंट टीचिंग आर लर्निंग टीचिंग एंड हो एक्चुअली एटा ओके टीचिंग एंड ओके द कम्युनिटी इज एन इम्पोर्टेंट टीचिंग एंड लर्निंग सेंटर व्हाय आम कम्युनिटी को टीचिंग लर्निंग इम्पोर्टेंट सेंटर बोली कौन पाई कहवा ओके रीजन गुड़ा से कौन देखिए देखो फर्स्ट ऑप्शन एक्सटेंशन ऑफ स्कूल एक्टिविटीज ना तुम प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग ना तुम सब्स्टिट्यूट ऑफ स्कूल्स ना तुम इनफॉर्मल लर्निंग सोर्सेस तो देखो आम कम्युनिटी को गोटे कौन इम्पोर्टेंट सोर्सेस भाव में कनसीडर कौन पर था ना कौन देखो स्कूल तो पिलाने से जिन गुड़ा को बुक पढ़ले कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस दरकार कौन सब सब कम्युनिटी को एक्सपोज करार अच्छे सो दैट कौन कौन रियल लाइफ से जो पाठ पढ़ुंट वास्तव में रियल लाइफ केमती आप्लाई होने बुझीपारे तो कम्युनिटी को एज ए मेन टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस टीचिंग लर्निंग सेंटर बोली कौन पर कहवा ना प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग सो क्वेश्चन नंबर 11 रो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कौन अच्छी देखो व्हिच मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस मनोदर्पण स्कीम मनोदर्पण स्कीम एटा तुम किए तुम लॉन्च करथला ना तुम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सो क्वेश्चन नंबर 12 रो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर समस्त मते कमेंट सेक्शन में लिखिक जनाब ऑलरेडी मु तुमको कही दी गोटे गोटे मॉक टेस्ट मनोदर्पण पर क्वेश्चन था तो मनोदर्पण मेन पर्पज कौन थी समस्त मते कमेंट सेक्शन में लिखिक जनाब ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13 कौन दी देख व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीवियर मेंटल डिसऑर्डर कौटा तुम सीवियर मेंटल डिसऑर्डर ऑप्शन में कौन कौन अच्छी देख तुम स्किजोफेनिया ना एंजाइटी ना डिप्रेशन ना तुम कौन ना बाइपोलर डिसऑर्डर तो देख तुम स्किजोफेनिया जो अच्छी यहाँ को कौन कह तो मेनली तुम कौन होता है ना मैंने जहाँ को भी ये पर्सन जो मेंटल डिसऑर्डर देखा जाए तार मेनली से कौन होता है ना तार एबिलिटी टू थिंक फिल बिहेवियर बिहेव कना एगुड़ा सब कना तार मैंने
এই সব জিনিসের তার লেক দেখা যাই তো সবুঠ সিভিয়র পচারিছি তো দেখো জড়ে মানুষটা যদি কোনো ভাবি পার সে কিছু ফিল করে পার তার বিহেভিয়ার কেমতি রয়েছে সে জাঁপার তো এটা সবুঠ অধিক সিভিয়র মেন্টাল ডিজর্ডর যাব এজ কম্পারিজন টু তোমার কোন এংজাইটি ডিপ্রেসন বাইপোলার ডিজর্ডর মেনলি তোমার কোন মানে মুড সুইং ক্যাটেগরি যাব কোন ওকে তো সবুঠ সিভিয়র কোটে যাব না স্কিজোফ্রেনিয়া সো কোশ্চেন নম্বর 13 অপশন নম্বর 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ঠিক আছে বুঝা পড়লা স্কিজোফ্রেনিয়ার তোমার সিমটমস গুড়া কোন কোন রহব না গোটে কোটা মানে সে কোন তার যে ভাবিবার এবিলিটি তার ফিল করিবার এবিলিটি সে কোন বিহেভ করছে সে এবিলিটি কোন কোন না তার টিকে লস হই থাকে ওকে সো কোশ্চেন নম্বর 13 র কারেক্ট অপশন কোটা হই গলা না অপশন নম্বর 1 নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 14 কোশ্চেন নম্বর 14 কোন দেখি দেখো ওকে ওকে বিজি বুঝালা কোশ্চেন দেখো কোন দেখি দেখো দ্য কমন মেন্টাল ডিসঅর্ডার এমং দ্য চিলড্রেন ইন দ্য স্কুল ইজ তোমার এই যে মেন্টাল কোন সেন্সরি ডিসঅর্ডার সোশ্যাল ডিসঅর্ডার এংজাইটি ডিসঅর্ডার আর বিহেভিয়ার ডিসঅর্ডার এগুড়া এই যে চারটা ডিসঅর্ডার ভিতর কোডা তোমার কমনলি দেখা যায় তাই কাহা পাখরে না তোমার স্কুল চিলড্রেন মানক পাখরে কোডা তোমার কমনলি দেখা যায় থাই তো তার কারেক্ট আনসার কোন হিজবো সো কোশ্চেন নম্বর 14 র তাক পাখরে কোন মেইনলি এংজাইটি ডিসঅর্ডার দেখা যায় থাই সো কোশ্চেন নম্বর 14 র অপশন নম্বর 3 ইজ দা কারেক্ট आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 गला क्वेश्चन नंबर 15 विजिबल हला एबे देखो कोन देसी देखो द रूट कॉज ऑफ मेंटल इलनेस अमंग द स्कूल चिल्ड्रन इज तमरो जो पिलामन को भीतर मेंटल इलनेस देखा दे थाए तारो मेन कॉज माने रूट कॉज कोटा बोली पचारि छी ओके कोन कोन ऑप्शन रे छी देखो हेरिडिटी एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ना तमरो न्यूट्रिशन ना होम एटमॉस्फेयर ना पीयर पीयर बिहेवियर तो तार करेक्ट आंसर कोन जइबो मेनली रूट कॉज करना हेरिडिटी भी किछि इफेक्ट करते आ कोन तमरो साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस रहते सेटा भी तमरो मेंटल इलनेस रो रीजन ओके सो क्वेश्चन नंबर 15 ना ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 गला क्वेश्चन नंबर 16 कोन देछि देखो व्हिच स्टेप वुड फ्रॉम द इंटरवेंशन फ्रॉम दिव्यांगजन जो माने अछन्ति दिव्यांगजन अछन्ति तांको पई को इंटरवेंशन डा कराई छि तमरो कोना फिजिकल सपोर्ट ना असेस एंड असिस्ट ना तमरो कोना इमोशनल सपोर्ट ना तमरो फिजिकल थेरापी ओके तो देखो तमरो कोना काको हमको हेल्प करया रछि ना जो माने कोना स्पेशली एबल्ड बा दिव्यांगजन जो माने अछन्ति तो देखो तांको करया पई कोन देखो फिजिकल सपोर्ट ओके एट सर्टेन पॉइंट ठीक होई पाइबा किंतु तमरो देखो थर्ड सेकंड ऑप्शन रे जोडा दै छि तमरो कोना असेस एंड असिस्ट फर्स्ट तांको हमें देखिबा जे फर्स्ट तांको हमें ऑब्जर्व करिबा जे तांकर प्रॉब्लम को थरे अछि समस्तंगो तरी डजंट मीन कि समस्तंगर प्रॉब्लम एकार रहबो कि विजुअली इंपैक्ट के थिले कि माने तमर कोना माने सुनिबारे कहार प्रॉब्लम थिबो कि कहार चलिबारे प्रॉब्लम थिबो फर्स्ट तांको हमें असेस करिबा देन तापर जे कि हमें तांको असिस्ट करबा माने कोन जे तांको जे धरा जो तमरो माने देखिबारे जार प्रॉब्लम होची ताकु गुडा अलगा प्रकार तांको माने सहाय्य करा जइबो से बुडा तमरो जे चलिबारे जार प्रॉब्लम होची तांको अलगा प्रकार सहाय्य करा जइबो ओके तेलु केना मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कोटा हि जइबो ना असेस एंड असिस्ट तो करबा ता सहित असिस्ट मध्ये करबा सो क्वेश्चन नंबर 16 नो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर 17 कोन दिछि ओके ओके क्वेश्चन नंबर 17 विजिबल हला कोन दिछि हाउ केन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बी आइडेंटिफाइड इन क्लासरूम केमिति कि तमरो को डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई करबो ना तमरो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कोन कोन छि तमरो देखो रेस्टलेसनेस ना लोनलीनेस ना पोर कॉम्प्रिहेंशन ना माल एडजस्टमेंट से कोन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पचेरि छि तेन कि से गोटे छुआ जदि से कोन तार पोर कॉम्प्रिहेंशन रहू छि त माने कोन तार बौद्धिक विकास माने बौद्धिक डिसेबिलिटी के रहू छि सो क्वेश्चन नंबर 17 रो करेक्ट ऑप्शन कोटा हिजबो ना पोर कॉम्प्रिहेंशन सो क्वेश्चन नंबर 17 रो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 गला क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 कोन देछि देखो टू एड्रेस माइल्ड मेंटल हेल्थ इशू व्हाट शुड स्कूल डू जेतबेले कोन हमको जो माइल्ड माने बहुत अल्प मेंटल हेल्थ इशू को जदि गोटे स्कूल को एड्रेस करबा थिबो तो से केस रे स्कूल को कोन करबा कथा बोली पचारि छी ओके कोन कोन ऑप्शन दिछि देखो काउंसलिंग ना तमरो मेडिकल इंटरवेंशन ना फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन विथ पेरेंट्स ना तमरो इंटीग्रेटिंग सोशल इमोशनल लर्निंग तो देखो बेस्ट कोटा हि जइबो ना तमरो सोशल पाठ पढा सहित तमरो सोशल आउ इमोशनल लर्निंग टाको भी इंटीग्रेट करा जइबो सो दैट कोन तांकर जो मेंटल हेल्थ अछि सेटा भी धीरे धीरे इंप्रूव हबो सो क्वेश्चन नंबर 18 रो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ओके
ओके क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कौन दिछे देखो, द रोल ऑफ पेरेंट टू एड्रेस द मेंटल हेल्थ इशू अमंग द चिल्ड्रन। ए जे पेरेंट्स हिसाब रे कोन करबा कथा जहा द्वारा कि कोना पिला मानकर तांकर जो मानसिक हेल्थ अछि ताकू कोना माने भल से टैकल करि हबो। कोन कोन छि देखो ऑप्शन रे, तमरो स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ एडोलेसेंट एंजॉयिंग शेयरिंग द एक्टिविटीज, ना तमरो मेडिकल इंटरवेंशन, ना तमरो अपॉइंटिंग काउंसलर एट होम, ना तमरो पेरेंट्स शुड हैव अवेयरनेस ऑन एडोलेसेंट इशू। तो कौन तब देखो मेंटल हेल्थ जब पेरेंट्स मैंने पिला सहित भलसे मैंने कौन जो एडोलेसेंट स्टेज रे मेनली जब पिला कौन स्ट्रिक्ट पेरेंट भाव में बिहेव न करके ये जब फ्रेंड भाव में बिहेव कराए सो दैट कौन से कौन तर जहाँ भी प्रोब्लम हो जहाँ भी कनफ्लिक्ट क्रिएट हो मन भितर सब से पेरेंट्स पाखे मैंने कौन कहे खोलिकी कहवा द्वारा कौन से जो भी धर जो एजे पेरेंट्स हिसाब से जब मैंने कौटा भूल रास्त जाते भी कौन ठीक बाटर सुधारी हम। सो दैट करेक्ट आंसर मोस्ट appropriate answer कोड़ा ही जीवा न spending quality time with adolescent enjoy sharing activities। so question number 19 रो option number 1 is the correct answer। next आज रो last question, question number 20, question number 20 कौन देशी देखो, the vision and philosophy of a school will be reflected in गोटे school लो कौन कौन vision अच्छी तारो को philosophy ऊपर से काम कर ची से गोटे school लो जदी आमे जानी बाकु चाहूं चु तो आमे केमिटी के जानी पारी बा तमरो school prospectus रो ना तमरो instructional plan रो ना school magazine ना school development plan रो। सो जिया question दे तो आमे केमिती की जानी पारी बा ना school development school तारो development पाई कौन कौन तमरो plan सब कर ची। सो question number 20 रो option number 4 is the correct answer। ठीक अच्छे ये तुम्हारा 20टा क्वेश्चन डिस्कसन कम्प्लीट है। एबे मुझे गोटे भाई तुम कौन ना जो मॉक टेस्ट 20 जैसे आम मिक्स क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवा सब गुड़ा ओके देन आफ्टर दैट आम कौन करवा ना तुम चैप्टर वाइज जमी धर जो तुम गोटे दिन तुम जिते सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रे जितना भी क्वेश्चन था डिस्कसन करदे आ गोटे दिन आम कौन करवा ना तुम पियाज होगा वायरस की होगा एगुड़ा धीरे धीरे तुम चैप्टर वाइज भी सब कंप्लीट कर दबा बे एमसीक्यू ऑलमोस्ट थ्योरी समस्त पढ़ी सारी छ जेते बेले तुम्हारा एमसीक्यू कराबो सेते बेले ता सहित बे थ्योरी भी मो इंक्लूड कर लेबी। ओके तो एटी तुम्हारा 20टा क्वेश्चन कंप्लीट हला। जो माने भी चैनल ले नुआ छ चैनल को सब्सक्राइब कर दबो सो दैट कोन तुम्हारा आगो को जेटी एसवा को जाउची जेटी पई एबेरो पढा पढी स्टार्ट कर दियो और कोन जो जेटी पई जति भी सब तुम्हारा क्लासेस हिची जति जल्दी पाछ सब गुडा कंप्लीट कर दियो। मैथ रो भी तुम्हारा परसेंटेज क्लासेस भी अपलोड हि जेची सेकंड क्लास ता भी समस्त कंप्लीट कर दियो थर्ड क्लास भी बहुत जल्दी तुम्हारा आसी जइबो। ओके जो मैंने भी चैनल नुआ छ चैनल और टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन कर जीव से तुम सब नोटिफिकेशन देता है आउ जब तुम किसी भी डाउट रोचे तेरे व्हाट्सअप ग्रुप रे जॉइन कर जीव से तुम जहाँ भी डाउट थोड़ा ग्रुप रे सेंड कर पाने से डिस्कस कर था। ओके आशा कर आज क्लास टा समस्त भल लगी और हेल्पफुल रही थी तेज निश्चय चैनल को सब्सक्राइब कर और सांग सहित सेयार करने लाइक टे कर। थैंक्स फर व्वाचिंग द वीडियो।